कैसे निर्वाह करेंगे अपने पार्टी का सारा कार्य? सबसे पहले धन्यवाद देते हैं इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दलों की धड़कन माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने ओबीसी समाज के सिपाही मौर्या समाज के सिपाही राजेंद्र कुमार मौर्या को प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग बना के जो मान सम्मान एक छोटे से कार्यकर्ता को दिया है, मैं सबसे पहले धन्यवाद उनको देता हूँ। उनके निर्देश पे मैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं सबसे पहले जब जिले पे आया था तो जिला अध्यक्ष माननीय श्री राम इकबाल यादव जी के नेतृत्व में मैंने जिले में ये मुहिम छिड़ी थी, जो जिले से आवाज़ जाके पूरे प्रदेश में गूंजा कि मौर्य समाज के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की गणित फेल हो गई है। मैं इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय प्रेसवार्ता में बोला था कि जो सरकार बनी है मोदी लहर पे नहीं मौर्य लहर के नाम पे बनी है, और सरकार बनने के बाद 4 साल के कार्यकाल और 1 साल के कार्यकाल में स्पष्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की घोर विरोधी, मौर्य समाज की घोर विरोधी पार्टी है। इसके पहले आप बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ने का कारण क्या रहा? बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। बीजेपी जो मोदी लहर का नाम लेती है, मौर्य लहर के नाम पर उन्होंने सरकार बनाया, पूरे वो पिछड़ा वर्ग को जोड़ के उन्होंने सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद पूरा प्रदेश क्या पूरा देश जानता है कि उन्होंने पिछड़ों के साथ धोखा दिया है। हमारे आरक्षण से लेके और हमारे नौकरियों में जो आरक्षण है, हमारे समाज की जितनी हिस्सेदारी है, सबको उन्होंने छलने का काम किया है और पूरा देश प्रदेश जान गया है। और मैं श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह मुहिम छेड़ने का काम करूंगा। उन्होंने जो मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, मैं प्रदेश के हर गांव से लेकर गली तक जाके समाजवादी आंदोलन को तेज करने का काम करूंगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीत कर और समाजवादी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। उपाध्यक्ष बनाने पे आप लोग समाजवादी पार्टी को कैसे निर्वाह करेंगे इनके कार्यभार को? साथियों, सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्र नेतृत्व को धन्यवाद देने के साथ साथ हमारे साथ उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजेंद्र कुमार मौर्य जी हम तमाम साथियों के साथ, जब हम लोगों ने आज के 7-8 महीना पहले जब भारतीय जनता पार्टी की चरचराती बिल्कुल एकदम केंद्र में और प्रदेश में सरकार बन रही थी, सारे लोग बोल रहे थे, उस परिस्थितियों में हम लोगों ने पहली बार पूरे देश से और प्रदेश से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के नौजवानों के, देश के गरीबों के, देश के किसानों के, देश के मजदूरों के साथ जो छलने का काम किया है। हम लोगों ने इस सरकार को बनते हुए तुरंत बाद हम लोगों ने यह देखा कि निश्चित रूप से हमारे समाज के विरोधी है, और जिस दम पे ये सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी, हमारे समाज के एक नेता को लालीपाप दे करके और बिल्कुल कोने कोने इस देश के प्रदेश को घुमा करके सरकार बना लिया, लेकिन काम के नाम पर, उनके सम्मान के नाम पर, मौर्य समाज के पिछड़ा वर्ग के सम्मान के नाम पे 10 मिनट भर कोई काम नहीं किया, ना कोई सम्मान दिया, इसलिए हम लोगों ने सरकार छोड़ा और इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। और आज हम समाजवादी पार्टी में हम उस व्यक्ति के साथ हैं, एक देहात में कहावत कहा जाता है कि जिस काठ का बोकला होता है उसी काठ सटता है, और निश्चित रूप से हम उसके साथ सट करके मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार है, हमारे हक और हिस्सों को देने के लिए तैयार है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि आप लोग जिस तरह से कहेंगे और आप लोगों का सम्मान होगा, हम लोग हनुमोसाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इन सब सारे विश्वासों के साथ हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे केंद्र प्रदेश में हमारा शासन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। के बाद जो भी यहां कार्यभार इनको दिया गया है, कैसे निर्वाह करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे? पूर्वांचल नहीं, हमारे जनपद में इनके समाज की संख्या बहुत लंबी है और इनका समाज जो है मौर्य समाज जो है आज के परिवेश में बुद्धिजीवी समाज है, और इन लोगों ने धोखा खाया है और इन लोगों को छलने का काम वर्तमान सरकार ने किया था, जो इनको महसूस हुआ है। महसूस होने के बाद इन्होंने दल छोड़ा और दल छोड़कर ये समाजवादी पार्टी के साथ आया है। मुझको विश्वास है कि इनके आने से समाजवादी पार्टी
पूरे उत्तर प्रदेश, देवरिया नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जिससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम मौर्य समाज करेगा, मुझको पूरा विश्वास है।